अर्जुन के हाथों सिंधु नरेश का बचना मुझे तो संभव नहीं दिखाई दे रहा है। किंतु यदि हम कोई उपाय करके कल भर जयद्रथ को अर्जुन के हाथों से बचा लें तो अर्जुन अग्नि समाधि ले लेगा और शिविर में शेष बचे योद्धाओं को हम गाजर मूली की भांति काटकर फेंक देंगे। भीम को न भूलो मित्र। भीम को मुझसे अधिक भला कौन जानता है मित्र, उसी की भांति उसकी बुद्धि भी मोटी है, वो मूर्ख है। उसे वीर गति की प्राप्ति की ओर ढकेल देना कठिन नहीं होगा। खटका तो बस उस अर्जुन से है, बल्कि अर्जुन से भी अधिक खटका उसके मायावी सारथी वासुदेव से है। कल सिंधु नरेश उसके हाथों मारे जाएं, चाहे ना मारे जाएं, किंतु अर्जुन का अंत निश्चित है। वो कैसे मामा श्री? जयद्रथ के साथ साथ उसके पिता का एक शाप भी चल रहा है। शाप? हाँ भांजे, जयद्रथ का वध करने वाले के लिए तो ये शाप ही हुआ ना। वो वृद्ध क्षत्र का इकलौता पुत्र है और ये बात तुमसे अधिक कौन जानता है भांजे कि पुत्र मो पिता से क्या नहीं करवा लेता। वृद्ध क्षत्र तपोवन में भी पुत्र मोह का त्याग नहीं कर पाए। हुआ ये कि एक दिन जयद्रथ ने उनके चरण स्पर्श किए और प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव। मुझे वो आशीर्वाद दीजिए पिताश्री जो हस्तिनापुर नरेश शांतनु ने अपने पुत्र भीष्म को दिया था। न तुम गंगा पुत्र भीष्म हो पुत्र, और न मैं शांतनु। मैं तुम्हें इच्छा मृत्यु का आशीर्वाद नहीं दे सकता, किंतु तुम्हें एक शाप का कवच अवश्य पहना सकता हूं। हे पुत्र, जो तेरे कटे हुए सिर को भूमि पर गिरने का कारण बनेगा, उसके सिर में उसी समय एक विस्फोट होगा जो उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। आज्ञा दीजिए पिताश्री। इसलिए कल तो इस युद्ध का अंतिम दिन ठहरी गया है भांजो। यदि अर्जुन जयद्रथ का वध ना कर पाया तो वो अग्नि समाधि ले लेगा, और यदि वो वध कर पाया तो वृद्ध क्षत्र का वो शाप उसे जीने नहीं देगा। इसलिए कल का दिन तो शुभ ही शुभ है भांजो।